क्यों परेशान हो तुम? उलझ के रह गई हूँ हैदर, समझ नहीं आता कि किस सिमत जा रही हूँ। बस ऐसा लगता है कि जैसे किसी अजीब से भंवर में फंसी हुई हूँ। क्या अभी भी कायम हो तुम अपने फैसले पे? मैंने फैसला तो कभी लिया ही नहीं था। हालात जिस सिमत मुझे लेके जाते रहे, मैं चलती रही। अगर फैसला लेना होता तो तब लेती जब मेरी शादी हो रही थी। खुदा गवाह है हैदर कि मैंने शादी को निभाने की बहुत कोशिश की है, मगर हर बार मेरे सामने कभी मेरा माजी, कभी आपका माजी मेरी खुशगवार जिंदगी के सामने आके खड़ा हो गया। मेरी वजह से, मेरे रवैये की वजह से अगर तुमने ये फैसला लिया है तो मैं माफी मांगता हूं तुमसे, माफ करता हूं। ये फैसला वापस ले लो, इस घर की खातिर, हमारे होने वाले बच्चे की खातिर। मैं वादा करता हूं तुमसे इस बात का कभी जिक्र नहीं करूंगा, कभी कोई ताना नहीं दूंगा। जो कुछ हुआ है सब खत्म, बस फैसला वापस ले लो। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपका ऑप्शन जा चुका है? नहीं। हाँ हाँ हैदर, तो आपने सोचा कि क्यों ना इस बदकिरदार लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजार दी जाए। क्या करूं, तुम जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने एक बार भी ये बात नहीं सोची थी कि तुम्हारे जाने के बाद या मैं महमल से शादी करूंगा। मैंने नहीं सोचा था ये कभी। क्या करूं, मतलब